अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का नियमित निराकरण करें। कई विभागों की रैंकिंग लगातार घट रही है, अगस्त माह में प्राप्त आवेदन पत्रों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें। ऊर्जा विभाग में अगस्त माह में दर्ज 1916 प्रकरण अभी भी लंबित हैं, कार्यपालन यंत्री ऊर्जा इनका निराकरण कराएं। रीवा शहर की स्थिति सबसे खराब है, खाद्य विभाग में पात्रता पर्ची से संबंधित आवेदनों का निराकरण करें, पात्र व्यक्ति को खाद्यान्न पर्ची स्वीकृत करें। जिला आपूर्ति अधिकारी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारियों से समन्वय करके लंबित आवेदनों का निराकरण कराएं। जल संसाधन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई विभाग एवं शिक्षा विभाग में भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं। इस माह में किसी भी विभाग की ग्रेडिंग डी अथवा सी होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने बैठक से अनुपस्थित जिला योजना अधिकारी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निम्न गुणवत्ता से आवेदनों का निराकरण करने वाले विकास खंड शिक्षा अधिकारियों का भी वेतन काटने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया जा रहा है। सभी अधिकारी विभागीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों का चयन करके उन्हें हित लाभ का वितरण कराएं। हितग्राहियों के चयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर के लिए तैनात नोडल अधिकारी आवेदन पत्रों का विभागवार संकलन करके उनका निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने खाद तथा बीज की आपूर्ति, नल जल योजना के सुधार तथा कम पोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर ने दस्तक अभियान में कम उपलब्धि पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लापरवाह बीएमओ के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनएन मिश्रा ने बताया कि दस्तक अभियान में 2,75,000 बच्चों के स्वास्थ्य जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से 2,55,000 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। 4 विकास खंडों में समय पर डाटा फीडिंग ना करने के कारण उपलब्धि कम रही। बैठक में आयुक्त नगर निगम रिणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े तथा सभी SDM जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।